वार्ता दे दो मीर साहब सारे बचाइए। जनाब मीर साहब, जनाब मीर साहब, जनाब मीर साहब, जनाब मीर साहब, उनका तो सारे करने करना सरदारिया ने स्वागत किया जा। मैं अपनी ओर से और हमारे तीनों ब्लॉक प्रेसिडेंट रमान सिंह, विजय शर्मा, बाबू खान की तरफ से, हुसैन अली वफा साहब जिनको आपने सुना साल के है, यहाँ साहिल शर्मा जी भी एक स्पोक्समैन बने हैं, दुबे जी, बलवीर सिंह नौजवान नेता, यहाँ के कोई सरपंच साहिबान, जागरण अभियान के पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की जो जातियां हैं, नीतियां हैं, वो भी आज सारे बैठे थे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का दल मनोज शर्मा बैठे थे। चलाया जा रहा है और इस जन जागरण अभियान का मतलब क्या है? आप जिस तरह से देश में देख रहे हो, पिछले 7 साल से जमहूरियत नाम का कोई चीज नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नाम का कोई चीज नहीं इस देश में। अगर कोई किसान कहीं अपनी बात उठाना चाहता है तो उसको तिहाड़ जेल, अगर कोई व्यापारी अपनी मुसीबत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसको एनआईए, उन्हें टुकड़े यहां पे किए, उसमें भाजपा पूरे तरीके से शामिल है और महंगाई की मार से आगे ही हम लोग पिछले चले गए। आप सारे मेहनत करने वाले लोग हो, जमींदार लोग हो, जिनका हाल ही में फसलों में नुकसान हुआ, मैं समझता हूँ कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को वो मुआवजा भी नहीं दे पाए। हर एक वो बात, चाहे वो बेरोजगारी के लेके हो, चाहे जम्मू कश्मीर में तरक्या के काम यहाँ पे हो, जब कांग्रेस कोलिशन में थी, आज नगरोटा में चाहे एसडीएम का ऑफिस हो, तहसीलें हो या कॉलेज हो, वो उसी वक्त बने जब कांग्रेस का समर्थन वाली सरकार थी। साथियों, 1947 के पहले ये देश अंग्रेज के गुलाम था। देश की आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर इस देश को आजाद करवाने में अपनी कुर्बानी दी और उस वक्त में उस गांधी जी की रहनुमाई में जो भी हमारे नेतागण थे जिन्होंने इस देश की जंग आजादी में अपना रोल अदा किया, यही चीज जो कल से हिंदुस्तान में शुरू की है, यही चीज उस वक्त के जो हमारे बुजुर्ग थे जिनको समझाने की जरूरत थी और समझाने की कोशिश की। सत्ता पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 14 तारीख से 29 नवंबर तक का ये जन जागरण अभियान का एक प्रोग्राम दिया है। इसका कुल मिलाकर मकसद ये है कि जो आज की सरकार, जो मरकजी सरकार है या अलग अलग जगह पर स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो उनकी एंटी पीपल पॉलिसीज़ जो वो लाद रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर बिठा रहे हैं और ख़ासकर महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को उजागर करने का, चूंकि जनता बोलती तो जनता को कई तरीके के कॉर्डन कर रखे हैं, ट्रेडर बोलता तो उसको अलग किस्म की एजेंसी लगा रखी है, उस सारे दबाव के बीच में एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और सबसे पुरानी और सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट करें और सरकार को सुनाएं। जो वो अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो अपने यूनियन मिनिस्टर्स में, जम्मू कश्मीर की बात करूं, 70-70 यूनियन मिनिस्टर्स 3 महीने में यहाँ घुमा लेते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों को? उसके बजाय
यहाँ का पैसा, हमारे एक्सचेकर का पैसा 400 करोड़ से ज़्यादा उनके प्रोटोकॉल्स, उनके खाने पीने, उनके पिकनिक पर खर्च हुआ। और दूसरा नुकसान जो सिक्योरिटी अपैरेटस यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चूंकि सेंसिटिव हमेशा से रहा है, तो जो सिक्योरिटी अवेलेबल होती थी वो उन 70 मंत्रियों के आगे पीछे लगाई, जिसकी वजह से आपने देखा इनोसेंट किलिंग्स, सिविलियन किलिंग्स, और जिसका आज तक सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही है, किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पा रही। ऐसे में जो जनता को प्रॉब्लम्स जो इस वक्त फेस करनी पड़ती है, उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए, जिसमें स्टेटहुड की भी बात है कंटिन्यूसली, चूंकि हम देख रहे हैं नुक एंड कॉर्नर में ये किसी एक जमात की डिमांड नहीं, किसी एक मज़हब की डिमांड नहीं, किसी एक खत्ते की डिमांड नहीं है, अक्रॉस जम्मू कश्मीर चाहे किसी सियासत के साथ हो, उनको एक सदमा है कि हमारी एक बनी बनाई स्टेट थी उसको भाजपा ने ओवरनाइट ख़त्म क्यों किया, हमें यूटी में क्यों डाल दिया। तो उन सारी चीज़ों का जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों के साथ मिलकर आवाज़ नहीं उठाएगी, शायद उनको भी समझ नहीं आएगा कि हमारी गलतियां क्या हैं।